नमस्कार दोस्तों, गिलवान आई केयर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए नया विषय लेकर आया हूँ। आज का हमारा विषय है यूटी आई ड्रॉप क्या है और इससे चश्मे का नंबर कैसे कम होता है। दोस्तों, यूटी आई ड्रॉप के बारे में आजकल बहुत ही चर्चा है और लोगों को ये समझ नहीं आता कि इससे जो हमारा चश्मे का नंबर कम होता है नहीं होता है, या कौन से नंबर पे ये काम करती है, कौन से नंबर पे ये काम नहीं करती है, और चश्मा किसका हट सकता है इससे और किसका नहीं हट सकता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, यूटी आई ड्रॉप आजकल इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये विश्व की सबसे जो ट्रस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन है, FDA जो है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी जो है, उसके द्वारा ये प्रमाणित है। ये किस लिए जो है काम करती है, ये दोस्तों जो हमारे चश्मे का नंबर होता है, जब हमारी उम्र 40 और 45 साल के बाद जो है नज़दीक की आईसेट वीक होती है, जिसको हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं, उसके लिए सिर्फ उसी दिन ये काम करती है जिस दिन हम इस दवाई को डालते हैं। तो दोस्तों, यूटी आई ड्रॉप जो है कोई नई ड्रग नहीं है। इसके अंदर जो इसका फार्मूला होता है वो पिलोकार्पिन नाइट्रेट 1.25% होता है, जो कि इंडिया में काली मोती के लिए बहुत ही लंबे समय से जो है यूज़ होती रही है। तो ये कोई नया फार्मूला नहीं है दोस्तों। और जो पिलोकार्पिन नाइट्रेट है उसकी जो कंसंट्रेशन कम करके जो है ये दवाई बनाई गई है। इस दवाई से कौन कौन से नंबर हट सकते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। अगर किसी का दूर का नंबर है और वो माइनस नंबर है, जिसको हम मायोपिया बोलते हैं, तो ये उस नंबर पे कोई भी काम नहीं करती है। अगर किसी का दूर का नंबर है और हाइपरमेट्रोपिक है, प्लस नंबर है, तो दोस्तों ये उस नंबर पे भी काम नहीं करती है। अगर किसी की उम्र 40 साल से ऊपर है, जिसको हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं, जिसको नज़दीक से कम दिखाई देता है, उसके लिए ये दवाई काम करती है। और इस दवाई का यूज़ कैसे करते हैं दोस्तों, ये पिलोकार्पिन नाइट्रेट जो है हमारी आँख में डालने के बाद हमारी पुतली को जो है ये पुतली का साइज छोटा कर देती है, जिससे हमारी आँख में जिस पिन होल इफेक्ट आता है, जिससे हमारी पुतली जो छोटी हो जाती है और जिससे रेटिना पे फोकस जो है सही बन जाता है, जिससे कि पेशेंट को साफ दिखाई देने लगता है। तो इसको जिस दिन आप डालेंगे आँख में, उससे 8 से 10 घंटे तक जो है इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। मान लीजिए सुबह आप इसको डालते हैं आँख में, तो ये शाम तक आप इससे जो है नज़दीक का साफ देख सकते हैं, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमारी आँख एक कैमरे की तरह से काम करती है, दिन के समय में हमारी पुतली अपने आप जो है छोटी हो जाती है, और रात के समय हमारी आई को जो है पुतली को जो फैलाना पड़ता है ताकि हम अंधेरे में अच्छी तरह से देख सकते हैं। और लेकिन जब ये पिलोकार्पिन नाइट्रेट जो है आई ड्रॉप जब हम डालेंगे, तो हमारी पुतली जो है वो छोटी हो जाती है, जिससे कि हमें अंधेरे में देखने में दिक्कत आती है। अतः जो भी यूटी आई ड्रॉप को यूज़ करता है, तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो सुबह के टाइम इस दवाई को डाले, ताकि शाम तक आते आते इसका इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए और रात को किसी प्रकार की भी जो है दिक्कत ना हो। आइए अब इसकी कॉस्ट के बारे में जो है बात करते हैं। दोस्तों, ये जो है इसकी जो कीमत है $80 के आसपास है, तो इंडिया में जो है इसकी कीमत 6,000 रुपये के आसपास जो है बनती है एक बोतल की। और ये एक बोतल जो है लगभग एक महीने के लिए जो है चलेगी आपकी, और एक महीने के बाद उसको यूज़ नहीं कर सकते। अतः ये बहुत ही महंगी दवाई है और ये टेम्परेरी जो है ये काम करेगी। जिस दिन आप आई ड्रॉप अपनी आँख में डालेंगे, उसी दिन आप इससे नज़दीक का देख सकते हैं। अतः बहुत ही महंगी दवाई है, जो भी इसका यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकता है, लेकिन सावधानियों के साथ में। कभी भी रात को दवाई ना डालें, और दवाई डालने के साथ साथ किसी किसी को साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। अगर किसी को सिर में दर्द है, आंखों में भारीपन है, तो उसको उसका यूज़ को बंद कर दें। अगर इससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो आपको, तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के विषय में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।